हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम साहू। आज जो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले 19 की बात करेंगे तो 19 आपको लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कोस एक्स प्लस कोस 3x को आपको बताना है 10 टू है। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि ऊपर साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी और नीचे कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी लगेगी। मैं आइडेंटिटी लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बताऊंगा कि साइन ए प्लस साइन बी की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ए प्लस बी मतलब x प्लस 3x अपॉन में 2। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ए माइनस बी अपॉन 2 मैंने ऊपर न्यूमरेटर में अप्लाई कर दिया आइडेंटिटी, होल अपॉन में मैंने देखा, होल अपॉन में अपन देखेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी। कॉस ए प्लस कॉस बी की होती है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, देन कॉस a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। तो इस तरीके से मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई करी है। अब इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मैंने देखा 2 साइन x प्लस 3 4x अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा 2x, देन कॉस x माइनस 3 माइनस 2x अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा कॉस माइनस एक्स। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। होल अपॉन में मैंने देखा यहाँ पर बचा हुआ है 2 कॉस, यहाँ पर देखेंगे x प्लस 3 4x अपॉन 2 मतलब ये भी आ जाएगा 2x, देन कॉस आप देखेंगे x माइनस 3 मतलब माइनस 2x अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, कॉस माइनस एक्स से कॉस माइनस एक्स कैंसिल, तो इट मीन्स आप देखेंगे जो बचा है साइन 2x अपॉन में कॉस 2x बचा हुआ है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर यदि थीटा आपका सेम है तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 2x। और आपने देखा आपको फाइनली प्रूफ भी जो करना था वो क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, कंप्लीट होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सेम एज इट इज, इसके जैसे ही दिख रहा है कि ऊपर तो साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी दिख रही है। होल अपॉन में मैंने देखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, पर मैंने देखा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कोई सी आइडेंटिटी नहीं होती है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि एक कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो मान लीजिए मेरे को कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनाना है तो नीचे से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब यदि नीचे से माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो जिससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए। तो मैं ऊपर से जब माइनस कॉमन लूंगा तो साइन 3x प्लस में बन जाएगा और साइन x ये माइनस में बन जाएगा। होल अपॉन में मैंने देखा यहां पर भी माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर x। माइनस कॉमन लिया तो ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने देखा ऊपर आइडेंटिटी दिख रही है साइन ए माइनस साइन बी की, तो साइन ए माइनस साइन बी की होती है 2 कॉस a प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन 2। ए क्या है 3x, बी क्या है x, तो a प्लस बी अपॉन 2 और हो जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। तो इस तरीके से मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करी और होल अपॉन में देखा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस 2x। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, कॉस 2x मैंने यहां पर फाइनली लिख दिया है। ओके, तो इस तरीके से मैं आगे देखूंगा तो यहां पर आप देखिए 2 कॉस, तो यहां पर देखा 3x प्लस x 4x अपॉन 2 मतलब ये हो जाएगा 2x, देन साइन 3x माइनस x 2x अपॉन 2 मतलब ये बचेगा सिर्फ ओनली साइन x। होल अपॉन में मैंने देखा यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कॉस 2x, तो कॉस 2x कॉस 2x कैंसिल आउट होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या जाएगा 2 साइन x। ओके, और आपको जो प्रूफ करना था RHS में वो भी क्या लाना था, 2 साइन x ही लाना था। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होगा। सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज कंप्लीटेड। इफ एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।